दृश्य आप लोगों ने देख लिया है। लेट्स ट्राई फॉर 100। अगर आप लोग वाइब्रेशन देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको चीज ज्यादा मिलेगी, वहां पर 95-100 के बाद समझ में आ रहा था। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष, और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त राइड कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं, जिसके लिए आप लोगों ने सबसे ज्यादा वोट किया था। जी हां दोस्तों, आज हम लोग राइड कंपेयर करेंगे ऑल न्यू 2024 टीवीएस अपाचे आरटीआर 162V विद राइड मोड्स रेसिंग एडिशन को विद इट्स टफेस्ट कॉम्पिटिटर, दैट इज 2024 बजाज पल्सर N150। जी हाँ दोस्तों, 150cc 160cc प्राइस में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कुछ चीज़ें आप लोगों को दोनों में बिल्कुल ही सिमिलर मिलेगी, लेकिन कुछ चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंट भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर बस 10cc का यहाँ पर आपको अंतर दिख रहा है और कई चीज़ें यहाँ पर सिमिलर भी है। तो एक कॉमन सा डाउट है कि भाई खरीदा कौन सा बाइक जाए। बताऊंगा यहाँ पर आप लोगों को चीजें मिल क्या करी है फीचर स्पेसिफिकेशन प्राइस माइलेज के साथ, लेकिन मेन आज यहाँ पर वीडियो में फोकस रहेगा कि राइड करते वक्त आप लोगों को डिफरेंस क्या समझ में आती है और उस डिफरेंस के आधार पर आप लोगों को खरीदना कौन सा बाइक चाहिए, N150 या फिर 162V अपाचे की, ये मैं आप लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू SS बजाज कृष्णनगर एंड राहुल टीवीएस कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक ये कंपैरिजन पहुंचा सकूं। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में रहते हैं, कोई भी आप यहां पर बजाज या फिर टीवीएस की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब दोस्तों यहां पर राइड कंपैरिजन पर जाने से पहले मैं आप लोगों के साथ छोटी सी इन दोनों बाइक की एक आप कह सकते हैं की डिफरेंस शेयर करना चाहूंगा वॉक अराउंड के दौरान, ताकि मैं आप लोगों को यहां पर बता सकूं चीज़ें आप लोगों को डिफरेंट क्या क्या मिल रही है। सबसे पहले अगर आप प्राइस देख रहे हैं तो N150 आप लोगों को करीबन 150,000 से 152,000 तक की जो प्राइस रेंज है इसमें आपको देखने को मिलेगी। वहीं अगर आप लोग अपाचे 162V रेसिंग एडिशन में आ रहे हैं, बाकी अभी आप लोगों को 1,500 रुपये और ज़्यादा यहाँ पर पे करना हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस कलर अपडेट, यहाँ पर आप लोगों को अभी 156,000 तक पे करना होता है। तब कह सकते हैं मोटा मोटा 4-5 हज़ार तक का प्राइस गैप आपको मिलेगा। बाकी प्राइस जो मैंने आपको बताई है ये मेरे एरिया के हिसाब से मैंने आपको बताया है, आपके एरिया में ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा डिपेंडिंग अपॉन इंश्योरेंस एंड आरटीओ चार्जेस। तो अगर आपको आपकी राय की प्राइस जाननी है नीचे प्लीज कमेंट में लिखकर बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को यहां पर प्राइस के साथ रिप्लाई करने की। और अब अगर मैं आप लोगों को फ्रंट सेक्शन के बारे में बताऊं, सस्पेंशन टायर में बहुत ज्यादा कुछ डिफरेंस दोनों ही बाइक में आपको नहीं मिलेगी। बाकी फीडबैक कैसी आगे चलते हुए बात करेंगे। दोनों में सिंगल चैनल ABS का सेटअप भी आपको मिलेगा, फ्रंट अप टायर में आपको ABS मिल रही है और वहां पर आप लोगों को अपाचे में 270mm की जो पेटल डिस्क है जो ब्रेकिंग के टाइम पर हीट को डिसिपेट करके और बेहतर ब्रेकिंग बनाने में हेल्प करती है वो आपको मिलेगी। बाकी फीडबैक तो आगे चलाते हुए टेस्ट करेंगे, लेकिन यहां पर आप लोगों को ये नॉर्मल जो आप कह सकते हैं 260mm की डिस्क ये आप लोगों को मिल रहा है। बाकी अगर इंजन के बारे में बात करी जाए, यहां पर N150 में आप लोग अप्रॉक्सिमेटली 150cc सिंगल सिलेंडर 2 वाल्व एयर कूल फिल इंजेक्टेड इंजन आपको मिलेगा, 14.5 PS की मैक्स पावर और 13.5 Nm अप्रॉक्सिमेटली टॉर्क के साथ। बाकी यहाँ पर आप लोगों को किक स्टार्ट मिल रही है जो आप लोगों को अपाचे में देखने में नहीं मिलेगी। बाकी अगर आप लोग इंजन काउल वगैरह देख रहे हैं काफ़ी तगड़ी क्वालिटी की आप लोगों को दोनों में ही मिल जाएगी। यहाँ पर आप लोगों को 159.7cc SOHC 2 वाल्व एयर कूल फिल इंजेक्टेड इंजन आप लोगों को मिलेगा। तो दोनों में ही SOHC 2 वाल्व एयर कूल का सेटअप आप लोगों को सेम मिलेगा, लेकिन इंजन कैपेसिटी यहाँ पर थोड़ी सी ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है, करीबन 10cc तक की आप कह सकते हैं। पावर फिगर थोड़ी सी ज़्यादा है, 16 PS तक आप लोगों को मैक्स पावर मिलेगी और 13.85 Nm तक का जो मैक्स टॉर्क है वो आप लोगों को यहां पर मिल जाएगा। बाकी खास चीज यहां पर क्या है, ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक टेक्नोलॉजी, जिसको हम लोग आगे चलाते हुए बिल्कुल बात करेंगे। और अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को यहां पर दोनों ही बाइक की जो एग्जॉस्ट साउंड है वो सुना दूं। बाकी N150 में आप लोगों को ये अंडरबेली मिलेगा और यहां पर आप लोगों को रेगुलर एग्जॉस्ट मिल रहा है। बाकी दोस्तों आप लोग देख सकते हैं बारिश की वजह से पूरा पानी पानी हो गया, तो इतना सा कीचड़ प्लीज इसको एक्सक्यूज कीजिएगा। और अभी मैं आप लोगों को जो आवाज है वो सबसे पहले N150 की सुना देता हूं। तो दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर N150 को सुन लिया है, और चलिए अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर जो अपाचे 162V रेसिंग एडिशन है उसकी भी आवाज़ सुना दूँ। तो ये दोस्तों आप लोगों ने दोनों ही बाइक की जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी आप लोगों ने सुन ली है। बाकी यहाँ पर टायर अगर आप लोग देख रहे हैं या फिर मतलब दोनों में आप लोगों को काफी सिमिलैरिटी मिलेगी। आगे चलते हुए बात करेंगे, अपाचे में आप लोगों को 200mm की ब्रेक डिस्क मिलेगी और यहाँ पर 230, बाकी इसको भी आगे हम लोग चेक करेंगे। अपाचे में डुअल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर है और यहाँ पर मोनोशॉक, इसकी भी क्या डिफरेंस आती है चलाते वक्त ये भी हम लोग चेक करेंगे। अब देखिए सीट हाइट वगैरह सब कुछ हम लोग आगे चलाते हुए बात करेंगे कितनी कुशनिंग सही है या नहीं, लेकिन हाँ अगर आप लोग दोनों ही देख रहे हैं तो आप लोग को यहाँ पर कंप्लीट डिजिटल हेड आप कह सकते हैं कंसोल का सेटअप मिलेगा, लेकिन यहां पर आप लोगों को टर्न बटन नेविगेशन जो चीज़ है वो आप लोगों को एक्स्ट्रा देखने में मिलेगी।
आप कह सकते हैं कॉल SMS अलर्ट के साथ, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पर ये जो ऐप है स्मार्ट कनेक्ट ऐप को यूज़ करते हैं, मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ अगर कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर टर्न बटन नेविगेशन भी आप लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर भी बजाज की राइट कनेक्ट ऐप है, लेकिन यहाँ पर टर्न बटन डायरेक्ट आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, लेकिन कॉल SMS अलर्ट यहाँ पर भी आप यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग पोर्ट नहीं है 162 में, यहाँ पर आप लोगों को मोबाइल चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगी। बाकी यहाँ पर आप लोगों को जो टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, गियर पोजीशन सेंसर, टाइम, फ्यूल गेज सेंसर, कौन सी मोड पर है, आप कह सकते हैं ट्रिप वगैरह, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर भी देखने में मिल जाएगी। और अगर आप लोग यहाँ पर N150 में आ रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को ये देखिए यहाँ पर भी कंप्लीट डिजिटल ही है। यहाँ पर आप लोगों को टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, गियर पोजीशन सेंसर, फ्यूल गेज सेंसर, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर भी मिल जाएगी। बस आप लोग कह सकते हैं टर्न बटन नेविगेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने में नहीं मिलेगी। बाकी ये मतलब जो मिरर वगैरह है कितनी अच्छी आप लोगों को रियर व्यू निकाल कर दे रही है, सब कुछ हम लोग आगे चलाते हुए यहाँ पर बिल्कुल बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं राइड पर, अंदर देखते हैं दोनों ही बाइक राइड में आप लोगों को क्या डिफरेंस निकाल कर दे सकती है। अब दोस्तों यहां पर राइड कंपैरिजन की शुरुआत करेंगे विद N150। पावर थोड़ी सी कम है, वहां पर आप लोगों को 16 PS मिल रही थी और यहां पर 14.5 के आसपास आपको मिल रही है। अब देखिए सीट हाइट पर जब आप बैठ रहे हैं करीबन 790 mm तक की जो सीट हाइट है वो आप लोग को यहाँ पर मिल रही है, और रियर फिटेड फुटपेक जो है वो भी आप लोग पा रहे हैं। और सीट देखिए सिंगल सीट है और काफ़ी स्पेशियस सीट भी है, और सीट कंफर्टेबल है, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना बहुत ज़्यादा हार्ड। और स्पोर्टियर तो भाई ये बाइक है ही, आपको हल्का सा सामने की तरफ झुकना भी हो रहा है। और चलिए अब टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर। अब देखिए डेफिनेटली एक बात तो है कि 14.5 PS 150 cc के हिसाब से जितनी इस बाइक को खींचनी चाहिए वो इतनी आप लोगों को जो मतलब एक्सीलरेशन है वो बिल्कुल निकाल कर दे रही है। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि एक्सीलरेशन में आप लोगों को यहाँ पर कोई तकलीफ तो नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट मैं कहूँगा 150 cc के हिसाब से मतलब अच्छी खासी एक्सीलरेशन दे रही है, चाहे आप चला रहे हो विथ पिलियन हो या फिर अगर आप पिलियन के साथ अगर आप लोग यहाँ पर लोड भी कैरी कर रहे हैं। मेरे हिसाब से इनिशियल एक्सीलरेशन में अगेन मैं कहूँगा 150 cc और 14.5 PS के हिसाब से पावर आपको काफ़ी अच्छा खासा दे रही है। एंड देन एक बात तो ये भी है कि थोड़ा सा वो स्पोर्टी राइड आप लोगों को मिल रहा है, रियर फिटेड फुटपेक है, सीट भी स्पेशियस है, तो बैठने या फिर ओवरऑल राइडर जो पोजीशन है ना वो काफ़ी कंफर्टेबल है और एक स्पोर्टी है, थोड़ी सी सामने आपको यहाँ पर झुकना भी हो रहा है। और यहाँ पर भले आप लोगों को वो स्लीपर क्लच ना मिल रहा हो लेकिन क्लच जो है ना भाई वो मज़ेदार है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। और अभी देखिए अगर आप लोग गियर शिफ्टिंग वगैरह देख रहे हैं, चाहे आप अपशिफ्ट कर रहे हो या फिर डाउन शिफ्ट कर रहे हो, आप लोगों को बिल्कुल ही हल्का सा एक एफर्ट यहाँ पर लगाना होता है और गियर जो है वो आराम से यहाँ पर शिफ्ट हो जाती है। अब देखिए अगर यहाँ पर इंजन के बारे में ही बात हो रही है तो चलिए यहाँ पर इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है वो भी स्टार्ट करते हैं, देन इसकी परफॉर्मेंस के बारे में आगे बात करते हैं। फर्स्ट गियर पे रख दिया है विद 3 हॉर्न्स। आप लोगों ने देख लिया है, लेट्स ट्राई फॉर 100 नाउ। वो भी इसने आराम से क्रॉस कर लिया। अब देखिए मतलब 0 to 60 तो खैर आराम से पार कर जाती है, लेकिन जब आप 0 to 100 की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम तो ये लेती है। अब कितना समय में ये अचीव कर पा रही है वो तो आप लोगों ने अभी स्क्रीन पर देख ही ली है। एंड वाइब्रेशन अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो 90-95 तक 95 KMPH तक भी आपको बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आएगी। देन हाँ डेफिनेटली आप लोगों को जो फुटपेक्स है या फिर जो हैंडल बार है वहाँ पर हल्का सा बस जो है वो आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर फील होती है। तो ये था अबाउट वाइब्रेशन, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। रिफाइनमेंट तो इंजन में आप लोगों को डेफिनेटली काफ़ी अच्छा खासा समझ में आता ही है। एंड देन अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर स्टेबिलिटी के बारे में बताऊँ, देखिए स्टेबिलिटी में मुझे ऐसा यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई जो प्रॉब्लम है वो मुझे यहाँ पर फील नहीं हुई है। और मतलब 110 तक 15 तक भी मैंने उसको ट्राई किया हुआ है, वहाँ तक भी स्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो हाँ अगर आप लोग सिटी राइड कर रहे हैं फिर तो बहुत ईजिली कर सकते हैं, बाइक सूट भी करते हैं, लेकिन ओकेजनल छोटा मोटा अगर आप लोग हाईवे राइड भी करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं होगी। और अभी देखिए इसकी जो ब्रेक है उसको भी टेस्ट करते हैं, ठीक है, एक बार इसको पहले थोड़ा स्लो डाउन करते हैं एंड अभी इसको 60 तक ले चलेंगे एंड देन इसको फ्रंट ब्रेक यूज़ करेंगे। ये देखिए 65 पे फ्रंट ब्रेक, देखा आप लोगों ने काफ़ी आराम से रोक देते हैं। बाकी मैं कह दूँ सामने आप लोगों को 270 mm की यहाँ पर जो ब्रेक है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल रही है। और मैं कहूँगा ABS यहाँ पर आपको भले मिल रहा हो लेकिन ABS की इंट्रूशन मुझे अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ फील हुई नहीं है। लेकिन हाँ ये बात भी है कि आप जितना इसको ज़्यादा प्रेस करेंगे ना उतना ज़्यादा आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि ये जो लीवर आप देख रहे हैं ब्रेकिंग, ये थोड़ी सी आप कह सकते हैं मतलब सॉफ्ट साइड पर, जितना ज़्यादा आप खींचेंगे उतना अच्छा रिस्पॉन्स आप यहाँ पर आशा कर रख सकते हैं। एंड मतलब फ्रंट में जो 260 mm की यहाँ पर जो आपको जो डिस्क मिल रही है वो काफ़ी बेहतरीन है, आप लोगों को रिस्पॉन्स निकाल कर दे रही है। और चलिए अब यहाँ पर जो रियर है
ब्रेक उसको भी ट्राई करेंगे। यहाँ पर 64 पे ऑलरेडी है, ये देखिए मैंने इसको पूरा प्रेस किया है, बाकी पानी है भाई, फिर भी स्लिप नहीं करी है, अच्छी बात है ये तो। देखिए दोस्तों, मैं इतना कह सकता हूँ कि यहाँ पर अभी आप लोगों को दोनों ही एडिशन देखने को मिलता है, रियर में ड्रम ब्रेक भी आपको मिल जाएगा, रियर में डिस्क ब्रेक भी मिलता है। बाकी यहाँ पर ये जो एडिशन आप देख रहे हैं 230 mm के डिस्क ब्रेक के साथ है। मैं कहूँगा देखिए यहाँ पर प्रोग्रेसिव नेचर की ही है, धीरे धीरे स्पीड कट डाउन करती है, लेकिन हाँ मैंने उसको एक्सट्रीम भी प्रेस किया, पानी भी था तो उसने स्लिप भी नहीं किया है। बाकी रियर में आप लोगों को 120/86 की जो टायर है वो आपको देखने में मिल जाती है, लेकिन हाँ स्लिप कर सकती है पैनिक ब्रेकिंग में, जब आप रियर ब्रेक की पेडल को एक्सट्रीम प्रेस करते हैं तो स्लिप कर सकती है। उससे बचने के लिए आपको क्या करना है, रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक को अप्लाई करना है, और 64 पे रियर विद फ्रंट ब्रेक, ये देखिए काफ़ी बढ़िया तरीके से ये रोकती है। मतलब ओवरऑल अगर आप ब्रेकिंग देख रहे हैं ना, तो हाँ रियर ब्रेक काफ़ी बढ़िया है, मतलब फ्रंट ब्रेक काफ़ी बढ़िया है, रियर स्लिप कर सकती है जो कि अभी नहीं करी है, लेकिन उससे बचने के लिए आपको करना क्या है, रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक को अप्लाई करना है, वो भी मैंने आपको बता दिया। ओवरऑल ब्रेकिंग अगर आप लोग देख रहे हैं सिंगल चैनल ईवीएस के हिसाब से आप लोगों को काफ़ी बेहतर ही यहाँ पर देखने में मिलेगी। ब्रेकिंग के बाद आप कह सकते हैं सस्पेंशन के बारे में बताऊँ, तो देखिए ये जब आप कर रहे हैं ना तो गाड़ी भाई डेफिनेटली आपकी कंट्रोल में है, गाड़ी इधर उधर भाग नहीं जा रही है, और वेट जो है 145 किलोग्राम की, ये बहुत ज़्यादा आप लोगों को समझा भी नहीं रही है। मतलब आप कह सकते हैं कि एक हल्की फुल्की गाड़ी आप लोगों को मिलेगी जो फन टू राइड बाइक है, ठीक है। मतलब अगर आप लोग यहाँ पर सिटी राइड्स वगैरह कर रहे हैं, या फिर अगर थोड़ा बहुत वो पॉट होल्स वगैरह आप लोगों को मिलती है, भले ही देखिए यहाँ पर आप लोगों को सस्पेंशन जो है वो आप लोगों को मोनोशॉक ही देखने में मिलेगा, लेकिन बात यहाँ पर यह है कि मोनोशॉक होते हुए भी काफ़ी हद तक आपको ये शॉक एब्जॉर्ब करती हुई भी मिलेगी। मतलब देखिए ऐसा है कि ये सिटी राइड में आप लोग इसको ज़्यादातर यूज़ करने वाले हैं, और सिटी राइड अगर करना है तो भाई पत्थर मतलब गड्ढे उड्ढे वगैरह आप लोग को मिल ही सकती है, ठीक है, तो वहाँ पर भी आप लोग को तकलीफ ना हो। साथ ही मैंने आप लोग को बताया था स्टेबिलिटी में भी प्रॉब्लम नहीं है, इनफैक्ट कॉर्नरिंग भी अगर आप लोग हल्का फुल्का करना चाहते हैं तो वो भी इस बाइक के साथ आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो मिला जुला के इन सारी कंडीशंस में, चाहे गड्ढे हो, चाहे हाई स्पीड टॉप स्पीड या फिर छोटा मोटा कॉर्नरिंग हो, आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। इसलिए अगर आप ये देख रहे हैं कि फ्रंट वाला ज़्यादा स्टिफर है कि रियर वाला, तो मैं कहूँगा रियर वाला थोड़ा ज़्यादा स्टिफ है, लेकिन इन जनरल अगर आप देख रहे हैं दोनों को ही मिड साइड पर सेट कराया गया। और मैं कह दूँ आप लोगों को यहाँ पर फ्रंट में 31 mm के यहाँ पर टेलीस्कोपिक फोक आपको मिली, और रियर में आप लोगों को जो एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन है वो आपको यहाँ पर देखने में मिल जाएगा। और इनफैक्ट अगर आप लोग ओवरऑल हैंडलिंग देख रहे हैं, तो अभी मैंने कहा था ये जब आप कर रहे हैं तो बाइक आपकी बात मानती है, इधर उधर भाग नहीं जा रही है, बाइक चलाते वक्त हल्की भी महसूस हो ही रही है, और रियर व्यू मिरर जो आप देख रहे हैं यहाँ से रियर व्यू भी आपको काफ़ी अच्छा खासा बिल्कुल ये निकाल कर देती है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा कोई तकलीफ जो है वो आप लोगों को यहाँ पर फील नहीं होगी। एंड देन देखिए हल्का सा स्पोर्टी राइड आप लोगों को मिल रहा है, स्पोर्टी राइडर पोजिशन है, रियर फिटेड फुट पे स्पेशियस सीट है, कंफर्टेबल सीट है, आप पिलियन के साथ भी आराम से राइड कर पाएंगे। अगर आप फैमिली पर्सन है तो सिंगल सीट है आप लोगों को, और ज़्यादा यहाँ पर आप कह सकते हैं आसानी होने वाली है। और देखिए ब्लूटूथ भी आप लोगों को मिल रहा है, बस एक ही चीज़ नहीं है, वो है यहाँ पर टर्न बटन नेविगेशन, बाकी कॉल एस एम एस अलर्ट वगैरह वो सारी चीज़ आप लोगों को मिल जाएगी। देन यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग पोर्ट वगैरह सब चीज़ आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाती है। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं एक सिटी राइड के लिए एक 150 cc के हिसाब से अगर आप लोग देख रहे थे, 150-160 cc में, तो एक काफ़ी अच्छी बाइक कंपनी आप लोगों को यहाँ पर ऑफर कर रही है। अब देखिए मोटा मोटा बात कर लिया हम लोगों ने इस बाइक के बारे में, चलिए अब चलते हैं इसकी जो कॉम्पिटिटर है अपाचे 162V रेसिंग एडिशन, एंड देन बात करते हैं कि वहाँ पर चीज़ें आप लोगों को क्या क्या कंपनी ऑफर कर रही है। देखिए सीट हाइट यहाँ पर आप लोगों को 790 mm की मिल रही है, तो आप कह सकते हैं कि वही है जो आप लोगों ने अभी यहाँ पर N150 में देखी थी, तो उसमें चेंज नहीं। इनफैक्ट ये जो आप स्पोर्टी राइडर पोजिशन पा रहे हैं चेंज यहाँ पर भी नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पर ये जो आप रियर फिटेड फुटपेक देख पा रहे हैं यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा चेंज आपको नहीं मिला। इनफैक्ट चेंज जो आपको दिखेगा वो है हल्की सी हैंडल बार पे, ये आप लोगों को यहाँ पर जो क्लिप ऑन हैंडल बार है ना ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रही है। तो अब चलिए अब यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। स्पोर्ट मोड में ही है, फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर। अब देखिए दोस्तों छुपाने वाली बात नहीं है, वहाँ पर 14.5 PS तक की पावर आप लोगों को मिल रही थी, और यहाँ पर आप लोगों को करीबन 16 PS तक की पावर मिल रही है, और चलाते वक्त कहीं ना कहीं वो चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझ में भी बिल्कुल आ रही है। और इनिशियल एक्सेलरेशन आप कह सकते हैं हल्का सा आप लोगों को यहाँ पर बेहतर ही मिल रहा है, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर क्लच देख रहे हैं तो क्लच आप लोगों को N150 में ज़्यादा सॉफ्ट मिलेगी। और अगर आप लोग यहाँ पर गियर शिफ्टिंग देख पा रहे हैं तो गियर शिफ्टिंग मुझे लग रहा है कि ये थोड़ी ज़्यादा स्मूथर है, बाकी देखिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं, लेकिन स्मूथर यहाँ पर आपको थोड़ी सी मिल सकती है। बाकी यहाँ पर भी आप लोगों को वो स्लीपर एसिस क्लच वाली जो चीज़ है वो यहाँ पर आपको मिलेगी नहीं, लेकिन यहाँ पर इंजन के बारे में बात हो रही है, अब एक्सेलरेशन टेस्ट तो बिल्कुल बनता है। स्पोर्ट मोड में मैंने इसको रखा हुआ है, बाकी अर्बन और रेन मोड में पावर टॉर्क कट कर दिया जाता है ताकि माइलेज आपको बढ़ा कर दिया जा सके, तो इसको मैंने ऑलरेडी स्पोर्ट मोड में सेट कर दिया है। फर्स्ट गियर पर है 3 हॉर्न के साथ, जीरो टू 60 आप लोगों ने देख ली है,
टाइम फॉर 0 to 100 नाउ। अब देखिए दोस्तों, ये बात भी छुपाने लायक नहीं है कि अगर आप लोग वाइब्रेशन देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको चीज़ ज़्यादा मिलेगी। वहाँ पर 9500 के बाद समझ में आ रहा था, यहाँ पर आप लोग को 8085 के बाद ही समझ में आने लग जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 90 पर जो वाइब्रेशन है बहुत ज़्यादा फील होती है, उसकी वजह से बाइक खरीदने लायक बाइक नहीं रहेगी, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, फील आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा होने वाली है। लेकिन डेफिनेटली 0 to 1600 आप लोगों ने शायद स्क्रीन पर भी देख ही लिया कि ये कम समय में अचीव करते हैं। एक्सेलरेशन डेफिनेटली यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा बेहतर मिलेगा, बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं, थोड़ा बेहतर तो आपको मिलने वाला है। इनफैक्ट अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड के बारे में बताऊं तो यहाँ पर भी वही है, 100-110 के बीच में आप मानकर चल सकते हैं। एंड देन स्टेबिलिटी की अगर बात करी जाए, फ्रंट में आप लोगों को यहाँ पर सेम मतलब कॉन्फ़िगरेशन की टायर मिल रही है, वहाँ पर भी 90 थी, यहाँ पर भी 90 सेक्शन की है, वहाँ पर भी 120 की टायर थी रियर में, यहाँ पर भी सेम आपको 120 की टायर मिल रही है। तो देखिए, स्टेबिलिटी में ऐसा दोनों बाइक में मुझे बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम या फिर जो चेंज है वो मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ फील हुआ नहीं है। लेकिन डेफिनेटली एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पर जो मतलब एज फीचर मिलेगा वो है GTD टेक्नोलॉजी। एक बार मैं टेस्ट करके आपको बता दूँ, फिफ्थ गियर पर मैं हूँ, मैंने क्लच थ्रॉटल पे से हाथ अपना हटा दिया है, ठीक है। अब ये देखिए उल्टे साइड से लोगों का आना, मतलब क्या ही बोले। ये देखिए 20-22 तक की जो स्पीड है ना अप्रॉक्सीमेटली, वो यहाँ पर ये अचीव करती है। देखिए वो इंजन स्टॉलिंग भी नहीं हो रही है, ठीक है, वो गट आवाज़ करके बाइक जो रुक जाती है वो भी नहीं। एंड देन मान के चलिए बहुत ज़्यादा ट्रैफिक पर है, मैंने देखिए इसको सेकेंड गियर पे शिफ्ट कर दिया है। अभी देखिए 10-11 तक की जो स्पीड है वो हल्का हल्का करके ये थ्रॉटल देके आगे इसको बढ़ाती रहेगी। तो यहाँ पर क्या होता है ना, मतलब अगर आप ट्रैफिक पर हैं, इंजन स्टॉलिंग माइलेज की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है बिकॉज ऑफ कंटिन्यूसली यूजिंग ऑफ दिस क्लच थ्रॉटल इन गियर, तो उससे आप लोग को यहाँ पर राहत मिलता है। माइलेज भी काफ़ी हद तक यहाँ पर मतलब मेंटेन होती है, और इंजन स्टॉलिंग का जो प्रॉब्लम है उससे भी काफ़ी हद तक यहाँ पर राहत बिल्कुल मिलता है। तो ये एक एक्स्ट्रा फीचर है जो आप लोगों को N150 में यहाँ पर देखने में नहीं मिल रही थी। एंड देन अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर ब्रेकिंग के बारे में बताऊँ तो चलिए इसको 60 तक ले चलते हैं। एंड देन फ्रंट ब्रेक, ये 62 पे फ्रंट ब्रेक। देखिए दोस्तों, वहाँ पर आप लोगों को 260 mm की फ्रंट ब्रेक मिल रही थी, यहाँ पर 270, और मुझे यहाँ पर फीडबैक ना हल्का सा बेहतर महसूस हुआ है। बाकी देखिए, वहाँ पर थोड़ी ज़्यादा वो सॉफ्ट साइड पर थी, आपको ज़्यादा पुल करना हो रहा था, यहाँ पर उतनी ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, तो थोड़ी सी पुल करने पर ही आपको अच्छा रिस्पॉन्स निकाल कर ये दे रही है। बाकी ये देख रहे हैं, ये कॉर्नर में भी आप लोगों को काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स निकाल कर ये दे रही है, भले यहाँ पर USD ना हो। अब कॉर्नर की जहाँ तक बात है दोस्तों, चाहे ये वाली बाइक हो या फिर N150 क्यों ना, आप लोगों को दोनों में काफ़ी सेम रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा कॉर्नरिंग की अगर बात करी जाए तो। बाकी हाँ, जैसे मैं आप लोगों से कह रहा था, ब्रेकिंग अगर आप लोग फ्रंट में देख रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा रिस्पॉन्स आप लोगों को बेहतर मिलेगी। बाकी चलिए यहाँ पर भी इसको थोड़ी सी 50-60 पर भगा के रियर उसको चेक करते हैं। ये देखिए, मैंने 62 पे यहाँ पर, ये देखिए ये हल्का सा वो स्लिप का आवाज आया। देखिए ये तब हुआ है जब मैंने इसको एक्सट्रीम प्रेस किया है, इतना शायद ही आप प्रेस करेंगे, लेकिन अब पैनिक सिचुएशन में इतना प्रेस आप कर भी सकते हैं, तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक को अप्लाई करना है उसके, वो भी आपको करके बता दूं। ये देखिए 63 पे ले जाके रियर विथ फ्रंट ब्रेक, ये देख रहे हैं आराम से गाड़ी रोक देती है। बाकी देखिए पीछे कोई है नहीं, मैंने देख समझ के ही ब्रेक इस्तेमाल किया है। तो ये एक बात है, मतलब काफ़ी सही तरीके से आप लोगों को यहाँ पर ओवरऑल ब्रेकिंग जो है ना वो भी आप लोगों को इस बाइक में देखने को मिल जाती है। और मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा चेंज है N150 से, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ी सी बेहतर फीडबैक N150 से आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल सकती है, अगर आप लोग ओवरऑल यहाँ पर ये ब्रेकिंग की बात कर रहे हैं तो। और बाकी अगर आप लोग ओवरऑल सस्पेंशन या फिर हैंडलिंग देखते हैं तो ये बात है ना कि अगर आप लोग N150 में देख रहे थे, वहाँ पर हैंडल बार जो है इस बाइक के मुकाबले थोड़ी सी ऊंची आप लोगों को मिल रही थी, और यहाँ पर हल्की सी नीची है। और सीट हाइट तो आप लोगों को खैर दोनों में सेम मिलेगा, रियर फिटेड फुटपेक वगैरह ये सारी चीज़ें सेम है, लेकिन क्योंकि हैंडल बार वहाँ पर हल्की सी ऊँची मिलेगी इस बाइक के मुकाबले, सीट की लेवल को अगर आप लोग देख रहे हैं, सीट लेवल के रिस्पेक्ट पर अगर आप लोग हैंडल बार को देख रहे हैं तो ओवरऑल थोड़ी सी जो हैंडलिंग है वो आप लोगों को डिफरेंट बिल्कुल मिलेगी। बाकी यहाँ पर आप लोगों को जो क्लिप ऑन हैंडल बार है ये तो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल ही रहा है। और मैं एक बात आप लोगों से इतना कह सकता हूं कि थ्रॉटल रिस्पॉन्स जो है थोड़ी सी बेहतर आप लोगों को मिलेगी, मतलब पावर वगैरह जो डिलीवरी है थोड़ी सी बेहतर आप लोगों को यहां पर बिल्कुल देखने में मिलेगी, और हल्की सी बेहतर फीडबैक फ्रॉम द ब्रेक आल्सो यू विल गेट इन दिस बाइक। और अब देखिए ओवरऑल फन टू राइड बाइक तो है ही, मतलब काफ़ी सही बाइक है। आप यहाँ पर अगर मिरर देख रहे हैं, रियर व्यू मिरर भी काफ़ी अच्छी निकाल कर दे रही है, टर्न बटन नेविगेशन, कॉल SMS अलर्ट सब कुछ आप यूज़ कर पाएंगे। टर्न बटन नेविगेशन N150 में आप लोग डायरेक्ट यूज़ नहीं कर पा रहे थे, जो आप लोग यहाँ यूज़ कर पाएंगे। देन देखिए माइलेज अगर आप लोग देखते हैं, अर्बन या फिर रेन मोड में चला
रहे हैं तो 40-42 तक का माइलेज आप लोग यहाँ पर भी पाएंगे। माइलेज थोड़ी सी कम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं व्हेन कंपेयर टू N150, लेकिन बहुत फर्क नहीं होगा, 2-4 किलोमीटर का ही फर्क होगा। ओवरऑल देखिए ये भी एक बहुत बढ़िया बाइक है, ठीक है, एक सिटी राइड करने के लिए। लेकिन आप पावर डिलीवरी जो है वो आप लोग को यहाँ पर डेफिनेटली थोड़ी सी ज़्यादा ही देखने में मिले, लेकिन अगेन अगर आप लोग वाइब्रेशन देख रहे हैं तो वो भी यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी बहुत मिलेगी व्हेन कंपेयर टू N150। तो इस बाइक के बारे में देखिए बात अभी हो चुकी है और चलिए अब चलते हैं कंक्लूजन पर, देन एक फाइनल डिसीजन बनाते हैं कि कौन सी बाइक खरीदनी है, N150 या फिर ये वाली बाइक। और दोस्तों अभय सत्यवचन की घड़ी, कंक्लूजन का समय है कि क्या खरीदी जाए, N150 या फिर यहाँ पर अपाचे 162V। शॉर्ट एंड सिंपल रखेंगे। देखिए सबसे पहले N150 की बात करते हैं, अगर आप लोगों को बजट अलाउ कर रही है 1.5 लाख तक जाने की, आप लोगों को अगर यहाँ पर इनकी लुक अच्छी लग रही है, साथ ही आप इसको डेली राइड पे अगर यूज़ करना चाहते हैं, फैमिली के साथ भी आप राइड करेंगे जिसके लिए आप लोगों को एक लॉन्ग आप कह सकते हैं सिंगल सीट भी चाहिए थी, माइलेज भी आप लोगों को 45 किलोमीटर तक की चाहिए, थोड़ी सी अपराइट राइडर पोजिशन भी आप लोगों को चाहिए और फीचर रिच बाइक जैसे कि आप कह सकते हैं मोबाइल चार्जिंग पोर्ट या फिर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, साथ ही रात में राइड करने के लिए ये प्रोजेक्टर लैंप वगैरह आप लोगों को चाहिए थी 45 किलोमीटर तक माइलेज के साथ, मेरे ख्याल से 1.5 लाख तक की बजट में यहाँ पर N150 आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया बाइक रहने वाली है। लेकिन इसी प्राइस रेंज में 1.5 लाख, 1 लाख आप कह सकते हैं 55-56 हज़ार, यही एक जो प्राइस रेंज में आप लोगों को बाइक थोड़ी और बेहतर एक्सेलरेशन के साथ चाहिए, आप डेली राइड के लिए यूज़ करेंगे जिसके लिए आप लोगों को फैमिली के साथ राइड करने के लिए भी यहाँ पर ये जो सिंगल सीट है ये भी आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है, लेकिन फीचर में थोड़ी और चीज़ें आप लोगों को बेहतर चाहिए जैसे कि टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी आप यहाँ पर यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक टेक्नोलॉजी है उसको भी आप लोग यहाँ पर चाह रहे हैं, और साथ ही आप लोगों को थोड़ी सी और बेहतर एक्सेलरेशन ये चीज़ भी आप लोगों को चाहिए थी। मेरे ख्याल से यहाँ पर 1,55,56 के बजट में अगर आप लोग यहाँ पर ये रेसिंग एडिशन अपाचे 162V की खरीदना चाह रहे हैं मेरे ख्याल से बुरी नहीं होगी, क्योंकि माइलेज यहाँ पर भी आप लोगों को अर्बन और अगर आप लोग यहाँ पर रेन रोड में चलाते हैं 40 से 45 के बीच में यहाँ पर भी आपको मिल जाती है। बस एक ही चीज़ आपको यहाँ पर जो एक थोड़ी सी बॉदर कर सकती है वो ये है कि 80-85 के ऊपर जब आप जाते हैं तो हल्की सी वाइब्रेशन यहाँ पर आप लोगों को फील हो सकती है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा नहीं कि आप बाइक को खरीदे ही ना, बस इतनी सी आप लोगों को यहाँ पर कंसर्न हो सकती है। तो देखिए दोस्तों दोनों ही बाइक के बारे में मैंने आप लोगों को अपना जो ओपिनियन था राइड के दौरान भी सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया, अब आप लोगों पर मैं डिसीजन छोड़ता हूँ, रिव्यू सुनने के बाद आपको क्या लग रहा है, अपाचे 162V रेसिंग एडिशन आप लोगों के लिए सही है या फिर यहाँ पर बजाज की पल्सर N150 आप लोगों के लिए सही रहेगी, नीचे कमेंट में लिखकर बताना प्लीज़, नहीं भूलेगा, इट्स माय रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, आपको पता है पसंद आया तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो में एक लाइक, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पर क्लिक करना प्लीज़ नहीं भूलेगा, इट्स ऑल्सो माई रिक्वेस्ट। बहुत जल्द मिलेंगे इसी तरीके की एक नया वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ, टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।